ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चंद्रमा की समस्याओं को दूर करने के लिए लोग मोती धारण करते हैं और लोगों के मन में ये धारणा है कि मोती कोई भी पहन ले, कैसे भी पहन ले, मोती कभी नुकसान नहीं कर सकती। क्या वास्तव में मोती कभी नुकसान नहीं करती? क्या कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे भी मोती पहन सकता है? क्या है मोती रत्न की विशेषताएं और क्या हैं इसके प्रभाव, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:38 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र रात के 9:54 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 9:55 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि मोती रत्न होता क्या है और मोती रत्न की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मोती मुख्यतः रत्न नहीं है, एक जैविक संरचना है, एक प्राणी के शरीर से प्राप्त होती है। बावजूद इसके इसके गुणों को देखते हुए इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मोती मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है और कभी कभी विशेष रूप से औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। मोती चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल होता है। इसका प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल बैलेंस है, उस पर मोती का सीधा प्रभाव पड़ता है।
मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, मोती का प्रभाव बहुत धीमे धीमे पड़ता है और बहुत सूक्ष्म रूप से पड़ता है। चूंकि इसका तेज प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकती, जबकि मोती धीरे धीरे काफी नुकसान पहुंचा सकती है। मोती का प्रभाव धीमा तो होता है, लेकिन मोती का प्रभाव बहुत गहरा होता है, और जब तक आपको इसका नुकसान पता चलता है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। मोती पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में आपके सुधार होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता इस समय प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब अगर आपको मोती धारण करने की सलाह दी गई है और मोती आपको सूट करती है तो मोती धारण करने के फायदे क्या हैं? मोती जो है ये मन को शांत कर देता है और मोती आपके तनाव को घटा देती है। अगर मोती आपको सूट करती है तो मोती धारण करें और ये सूट करे तो आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, आपके मन का डर, भय, चिंता दूर होगी। मोती पहनने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, मोती हार्मोन्स को संतुलित कर देती है और मोती कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी, फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत अच्छा बना देती है। ऐसा देखा गया है कि अगर डॉक्टर मोती पहनते हैं तो डॉक्टर्स को मोती पहनने से ज्यादातर लाभ होता है, यानी मोटे तौर पर डॉक्टर्स के लिए मोती पहनना सूटेबल होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का
दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपने मोती धारण कर लिया और मोती पहनने से आपको नुकसान होने लगा, तो मोती पहनने से क्या नुकसान हो सकते हैं? मोती आपको सूट नहीं कर रही है तो क्या नुकसान होंगे? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि नीलम पहनने में सबसे ज्यादा सावधानी रखें, लेकिन वास्तव में मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि मोती आपकी मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर देती है। मोती का नकारात्मक असर आपके मन पर धीरे धीरे ज्यादा पड़ सकता है। ये गंभीर रूप से अवसाद और तनाव की समस्या दे सकती है। मोती अगर आपको नुकसान किया तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाएंगे, धीरे धीरे आपका तनाव बढ़ेगा। मोती अगर नुकसान करे तो ये घबराहट देगी, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा देगी। और महिलाओं को अगर मोती नुकसान करे तो ज्यादातर महिलाओं के हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाएगा। मोती अगर आपको नुकसान करे तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, रक्तचाप की समस्या हो जाती है, बीपी या तो एकदम से बढ़ जाएगी या तो बीपी एकदम से घट जाएगी। अब आपको एक सामान्य सी जानकारी देते हैं कि सामान्यतः किन लोगों को मोती धारण करना चाहिए और किन लोगों को मोती नहीं पहननी चाहिए। देखिए, अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए मोती धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम है। वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए मोती धारण करना खतरनाक है। सिंह, तुला और धनु लग्न में विशेष दशाओं में
मोती धारण कर सकते हैं। सिंह तुला और धनु लग्न वालों को विशेष स्थिति में मोती पहनने से फायदा हो सकता है। जो लोग अत्यधिक भावुक हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, वो जरा सोच समझकर मोती पहने। क्योंकि नॉर्मली टेंडेंसी क्या है, लोग क्या करते हैं, इनको क्रोध बहुत आता है, मोती पहना दो। हर क्रोध के मामले में मोती पहनने से फायदा नहीं होगा, इसलिए विशेष दशाओं में कुछ लोगों को जब क्रोध ज्यादा आता है तो मोती से फायदा होता है, और कुछ लोगों को जब क्रोध ज्यादा आता है तो उन्हें पन्ने से फायदा होता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, करियर में बाधा के योग बन रहे हैं, वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर बृहस्पति आपको अशुभ फल दे रहा है तो सबसे पहले अपने आहार की शुद्धि पर ध्यान दें। आप क्या खाते पीते हैं उस पर बहुत ध्यान दें और नियमित रूप से किसी न किसी धर्म स्थान में जा करके प्रार्थना करते रहें। अब जान लेते हैं दिनांक 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 24 सितंबर मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगे। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लेंगे। अगर प्रातःकाल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।